हेलो स्टूडेंट्स, इस 2024 के सन में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपके वैद्युत द्रव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चलिए इसके बारे में हम बताते हैं किस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ये आपकी हेडिंग हो गई वैद्युत द्रव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी समान परमाणु तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत ध्रुव के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें उसका चित्र पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं चित्र को। चित्र आपका आ गया माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक वैद्युत ध्रुव है, जिसके बीच की दूरी क्या है 2L है, और इसको केंद्र से निरक्षीय स्थिति बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें दो की आवश्यकता होती है, एक आवेश और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की वो बीच की दूरी। तो हमें पता है कि हमें यहां पर बीच से है तो ये होगा L और ये हो जाएगा L। तो हमें ये बेटा इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया, तो कर्ण। प्लस Q आवेश से बिंदु P की बीच की दूरी क्या है, हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके बीच की दूरी होगी। इधर भी कितनी दूरी होगी बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके बीच की दूरी होगी। दिशा की बात करते हैं, ये है आपका E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E2 है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। क्यों, प्लस क्यू से परिच्छेद आवेश की ओर और परिच्छेद आवेश से माइनस क्यू की ओर, मगर ये दिशाएं दोनों भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इन्हें घटकों में वियोजित किया जाता है। तो E1 को घटकों में वियोजित करेंगे तो एक घटक हो जाएगा E1 साइन थीटा और दूसरा हो जाएगा E1 कॉस थीटा। E2 घटक को जब हम वियोजित करते हैं तो हो जाएगा E2 साइन थीटा और दूसरा हो जाएगा E2 कॉस थीटा। E1 और साइन थीटा, E2 साइन थीटा दोनों क्या है, विपरीत है और बराबर है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में है, अतः ये जुड़ जाएंगे। चलिए इसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों? यस। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, क्योंकि हमें दूरी सबसे पहले निकालनी होगी बेटा, बिंदु पी की दूरी। पी की दूरी कितनी है बेटा, दूरी आपके पास है आर स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है? तो अब इसके बाद हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई हमें तीव्रता निकालने के लिए हमें पता है आवेश पता होना चाहिए और हमें बीच की दूरी, तो हम निकालेंगे E1 बराबर 1/4πε0 × K Q। हाँ, क्या है Q, Q कौन सा था, प्लस आवेश के कारण था, Q आवेश हो गया। बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर जो बीच की दूरी होगी उसे हम R स्क्वायर लिख लेंगे। ओके बच्चों, यस बिल्कुल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, दूसरे पॉइंट माइनस क्यू आवेश के कारण निकालें, किसके कारण निकालें, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम प्रोसेस होगा बेटा, E1 बराबर 1/4πε0 × K,
यस बता देना आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो उसी हिसाब से आपकी व्यवस्था की जाए, ठीक है। यस बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखना बिल्कुल बता देना दिख रहा है या नहीं दिख रहा। E2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन कितना होगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा हम इसको दोबारा, यदि हम स्क्वायर हटा दें, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना आ गया ई वन का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो ये रह जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी रूट हटेगा तो कितना रह जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, दिशा होगी आपकी प्लस क्यू के कारण है बी से पी की ओर, बी से बेटा पी की ओर, और इसकी दिशा क्या होगी पी से ए की ओर। ओके बहुत अच्छे, ये हो गई दिशा इसकी, ठीक। आप देख सकते हैं ई1 और ई2 की दिशाएं अलग अलग है, इतना कर लिया। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम चित्र के लिए थोड़ा नीचे कर लेंगे, ठीक है। इसलिए अभी जूम आउट थोड़ा करते हैं बेटा, कम करते हैं, जिससे हमें इसको हम ले सकें। जब आपको देखना होगा तो आप वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये हो गया इसका मान, अब हम क्या करेंगे सुनिए, E1 और E2 हो गए दोनों मान, E1 और E2 दोनों मान है, ठीक। E1 वेक्टर हुआ E2 वेक्टर, E2 वेक्टर परिमाण में समान तथा दिशाएं भिन्न है, दिशाएं कैसी हैं भिन्न है, और दिशाएं भिन्न है तो दिशाएं भिन्न है तब E1 व E2 को घटकों में, किसमें घटकों में वियोजित किया जाता है, वियोजित किया जाता है, जब घटकों में वियोजित किया जाएगा तो बच्चों जो हमने पहले बताया था E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों हो जाएंगे, तो E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा हुआ E2 साइन थीटा परिमाण में समान या समान यानी बराबर हुआ, दिशाएं कैसी हैं, दिशाएं विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है। और आप थोड़ा बहुत कोई भी क्वालिटी में इशू हो तो अपना थोड़ा जूम करके देख लेना बेटा, ठीक है। यस, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, जब ये दोनों क्या करेंगे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः E1 cos theta व E2 cos theta समान, हाँ क्या है भाई, E1 cos theta और E2 cos theta समान दिशा में है, तो क्या होगा बेटा, अतः ये जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, ये जुड़ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं अब बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बच्चों, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम निकालेंगे, क्या है फॉर्मूला, E बराबर यानी E वेक्टर बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का मान आपको पता है, E1 से E1 का मान और E2 से E2 का मान रख देंगे, तो E1 का मान रखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, क्या होगा cos थीटा, प्लस E2 का मान कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा। ओके बच्चों, अब ये दोनों वैल्यू सेम है और ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन ले सकते हैं, उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा बेटा, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सुन लो भाई, चलिए भाई कॉमन ले लेते हैं हम, क्या कॉमन लेते हैं, वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट, वैसे तो टोटल कॉमन ले सकते हैं और जितना चाहो उतना देख लो, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, हमने इतना ही कॉमन लिया, ले तो कॉस थीटा भी सकते हैं मगर इतना ही लिया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, टू कॉस थीटा, दो हो जाएंगे ना, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह हो जाएगा टू कॉस थीटा। अब बेटा सबसे पहले चित्र से कॉस थीटा का मान निकालेंगे, चित्र कहाँ है आपके सामने, थीटा का मान होता क्या, थीटा बराबर क्या निकालना है, कॉस थीटा का मान, और कॉस थीटा का मान तब निकलेगा, चलिए यहां लिख देते हम डायरेक्ट चित्र में, कॉस थीटा बराबर, चित्र से या चित्र में बाधेगी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है बेटा, तो इस थीटा का आधार क्या है एल और कर्ण क्या है आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो भाई आधार हमने रख दिया एल और कर्ण रख दिया आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या आपको नहीं पता कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो मान है वो इस पर पावर कितनी लगी होती है, एक बट्टे दो, कितनी होती है रूट की पावर कितनी होती है, एक बट्टे दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर एक बट्टे दो, किसका मान निकला है बेटा कॉस थीटा का, कॉस थीटा का मान हम इसमें रख देंगे, यहीं तक तो किया था हमने, तो इसमें कॉस थीटा का मान रख देंगे, कितना निकाला है कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान कितना निकाला है बेटा, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर वन बाई टू, बस इसके बाद हम इसे ऊपर करते हैं, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे देख लो, कॉपी पे कर लिया होगा, अच्छा ओके बेटा कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने इसका मान रखेंगे किसका, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2 इंटू cos थीटा का मान कितना था, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू इंटू टू एल, किसका मान होता है बेटा, होता है यानी क्यू इंटू टू एल पी का मान होता है, हमने पी रख दिया, अपॉन में क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितनी होगी, एक, एक पावर इस पर एक बट्टे दो, गुणा में घाते जुड़ जाती है ना, तो कितनी हो जाएंगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर हो जाएगी एक प्लस वन अपॉन टू थ्री अपॉन टू, कितना हो गया थ्री अपॉन टू, इतना हो गया। अब हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर,
कॉमा एल स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर। जब नगण्य मानने की बात हो गई तो एल स्क्वायर की वैल्यू हट गई, और नगण्य होने पर अब हम क्या करेंगे आगे, E बराबर 1/4πε0 × K P/r कितनी हो जाएगी, r पे पावर 2 और उसके ऊपर पावर 3/2, दो गुणा में घातक कट जाएंगी, यानी 2 से 2 खत्म। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप ठीक है, जो भी है 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कितना, E इक्वल कितना बचा बेटा, E बराबर 1/4πε0 × K P/r³। यदि वायु के लिए माध्यम कितना होता है, वायु के लिए माध्यम का मान या K का मान, वायु के लिए K का मान 1 होता है, यदि वायु के लिए K बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर बेटा, 1 रखने पर, ठीक। E बराबर 1/4πε0 × K तो हट गया, क्या रह जाएगा, P/r³। और ये हो गया आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, इसका मात्रक हो गया कितना, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, ठीक है। यहीं तक आपका कंप्लीट है, और आगे पीछे करके देख सकते हैं जो भी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, और इसमें और इसी प्रकार का आपका दूसरा पार्ट है, अच्छी और निरच्छी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी और निरच्छी की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों कंप्लीट करके जाएं एग्जाम में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।